ये क्वेश्चन आपको देख के तुरंत ऑब्जर्व होना चाहिए कि जो वन अपॉन, थोड़ा सा अगर हम इसे और आपके लिए अलग से लिख दें तो आपको नजर आएगा कि ये चीज लिखी क्या है, वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो देखिए ये अगर फंक्शन हम एफ एक्स मान लेते हैं तो ये साइन इनवर्स एक्स, तो उसका ये डेरिवेटिव होता है वन बाई मतलब एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। तो ये कौन सी फॉर्म आपने पढ़ा है, एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए टी में, तो ये आपका हो जाएगा टी और दैट बिकम ये पूरा का पूरा हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है। लेकिन हम ये फाइनल आंसर तो दे नहीं सकते हैं, टी हमारा डमी वेरिएबल है, तो टी आपका क्या हुआ करता था, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रख देंगे हम, दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी। हालांकि इस क्वेश्चन को हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसे एज्यूम करके ही निकालें, हम हमेशा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए हैं और एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, बोर्ड में नहीं पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है।